मित्रों, आप श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में जाकर के अर्जी, चोला, तरकास्त सब कुछ लगाते हैं और जहाँ तक आप कसारा भी बना करके ले जाते हैं। उसके बाद आप 41 दिन के नियम भी कर लेते हैं, लेकिन आपको जो है बालाजी महाराज की तरफ से कोई संकेत नहीं मिलता है। ठीक है, 41 दिन नियम करने के बाद भी आपको संकेत नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए मैं यह उपाय लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छा उपाय है, इस उपाय को हम भी करते हैं। हम तो इस उपाय को 12 महीने कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है कोई अवधि नहीं है। इस जो उपाय है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इसकी कोई भी किसी प्रकार की अवधि नहीं है। और जो है इसके अंदर एक खास बात तो यह है कि यह इसका कोई संकल्प नहीं है। आपको और उपाय करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है, लेकिन इसका कोई भी संकल्प नहीं है। आप चाहे लाइफ टाइम कर सकते हैं, आप 11 दिन, 21 दिन, आपकी जितनी इच्छा है उतनी मर्जी है उतनी कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। इस उपाय की यह खास बात है, हम लाइफ टाइम करते हैं, इसीलिए हमें रोजाना आए दिन उपाय मिलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ देव वर्मा, आप देख रहे हैं धर्म योद्धा चैनल। धर्म योद्धा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप फिर बाद में जो है वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं, इसीलिए आप फिर भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसीलिए इस काम को अभी कर लीजिएगा। तो अब हम जान लेते हैं यह उपाय क्या है। तो देखिए आपको क्या करना है, यह उपाय शाम के समय करना है। ठीक है, शाम को 7 बजे के आसपास आप कर सकते हैं इस उपाय को। बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त होता है 7 बजे का, हर मंदिर में आरती होती है 7 बजे के ही समय में होती है। तो आपको क्या करना है, 1 10 रुपये की तरकास लगानी होती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आप घर के मंदिर में नहा धोकर के आप घर के मंदिर में 10 रुपये की दरखास्त लगाइएगा। ये दरखास्त एक ही बार लगेगी, बाकी उसके बाद में आप उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नहा धोकर के घर के मंदिर में दरखास्त लगा देनी है। ठीक है, दरखास्त किस प्रकार से लगाएंगे, पहले घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएंगे आप। बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेता सरकार और समाधि वाले बाबा के नाम से घर के मंदिर में दीपक जलाएंगे देसी घी का। उसके बाद में आपको 10 का नोट लेना है और किस प्रकार से बोलना है, हे श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, भैरव बाबा, हे श्री प्रेता सरकार, श्री समाधि वाले बाबा, हे मेहंदीपुर की पवित्र पावन शक्तियों, मैंने आपका इस प्रकार से ओसारा लगाया है, अर्जी लगाई है, चोला लगाया, आपने कुछ भी लगाया है, इस प्रकार से ये वहाँ पर मैं लगा कर आया हूँ अर्जी बाबा आपके चरणों में, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से ना ही मुझे कोई संकेत मिला है, ना ही मेरा अभी तक संकट कटा है। कृपया आप मुझे कुछ संकेत देने की कृपा करें प्रभु। इस प्रकार से आपको जो है अपनी वहाँ पर जो है दरखास्त लगा देनी है। दरखास्त लगा करके आपको जो रोगी है आपके घर में, आप कोई रोगी है जिसके लिए आप ले गए थे वहाँ पर अर्जी लगा कर आए हैं मेहंदीपुर दरबार में, या उसारा लेकर के गए हैं, तो उनके ऊपर से आप जो है 7 बार इस प्रकार से उसार करके, और फिर आपका जो घर है उसमें आप एक बार घुमा कर आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। लेकिन इसमें आप एक अविधि जरूर दें कि मैं इतने दिन के भीतर सरकार को आपके दरबार में लेकर आऊँगा संकेत मिलने के बाद। ठीक है, संकेत मिलने के इतने दिन बाद में लेकर के आऊँगा, क्योंकि संकेत तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको फिर उतने दिन के जो आप अवधि देंगे उतने दिन के भीतर आपको वो दरखास्त ले जानी पड़ेगी मेहंदीपुर दरबार में। ठीक है, फिर आपको दरखास्त एक ही बार लगानी है केवल। फिर अब जो है उसके बाद में आपको मंदिर के नीचे बैठ करके आसन पर आप बैठ जाइएगा, आसन हो जूट का या फिर ऊन का, और बैठ करके आपको मंदिर ध्यान आपका मंदिर की तरफ ही होना चाहिए। ये ध्यान आपका इधर उधर ना भटके मंदिर का ही स्मरण होना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि आप मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार के अंदर बैठे हुए हैं, उनके चरणों के पास। ठीक है, जैसे कि हम आंखें बंद करके देखते हैं, आंखों बंद करके, तो हम मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो है श्री चरणों में बैठे हुए हैं। ठीक है, वहीं पर आपको ऐसा लगे, ऐसा फील हो। ठीक है, और आपको श्री राम 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 का जाप करते रहना है, और कंटिन्यू कम से कम आप आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटे तक डेली कीजिए आप डेली। दरखास्त आपको एक ही बार लगानी है, बाकी रोजाना आपको केवल घर में शाम के समय में देसी घी का दीपक जला करके और वहाँ बैठ करके श्री राम का जाप आपको करना है डेली। ठीक है, उसके बाद में हमारे फ्री हो जाएंगे। फिर अब जब सोएं, सोते समय आपको बता रहा हूँ, सोते समय भी आपको जो है उनका स्मरण करके सोना है। ठीक है, इसी प्रकार से श्री राम श्री राम श्री राम कम से 108 बार सोते समय आप बोलिएगा श्री राम श्री राम। लेकिन ध्यान रहे आपका ध्यान कहीं और ना हो, आप श्री राम मन में कर रहे हैं, आपका ध्यान हो कहीं और, आप कहीं और आपका ध्यान हो, वहाँ नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान जो है सीधा ही वहाँ दरबार में होना चाहिए, उनके श्री चरणों में। आप ध्यान करते करते जो है सो जाएंगे। फिर आप सोएंगे
तो कुछ दिन बाद ही आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, अपने आप संकेत आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि 11 दिन के भीतर तो आ ही जाते हैं। आप जितना अच्छे तरीके से करेंगे इस काम को, जितना आप इसमें, बस परहेजों का तो आपको पता ही है क्या क्या परहेज होते हैं, बाकी इसमें कोई बाकी संकल्प नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का आप संकल्प ना लें, इसमें संकल्प की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं इस काम को, है ना, दिन रात भी कर सकते हैं। आप जैसे कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप नहाए नहीं हैं, सुबह उठ कर भी आपको यही कब बोलना है, सुबह उठें आप बिस्तर से, तब भी आप बोलिए इस प्रकार से। इसकी कोई अवधि नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है, लेकिन आपने जो दरखास्त लगाई है उसकी आपको अवधि जरूर देनी है और आपको संकेत जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा हम लोग करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।